हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं भी करो तो करो, भरोसे वालों, नहीं तो किसी दिन उड़ा के रख दूंगा। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे फाइटर मूवी के बारे में। फाइटर फाइटर फाइटर, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह की मूवीज़ इंडिया में चलना बहुत ही मुश्किल बात है। तो भाई, चलना मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गया। पब्लिक ने टोटली रिजेक्ट कर लिया। एक दो दिन ये मूवी उठी तो लोगों को लगा कि भाई पता नहीं ये तो बवाल कर देगी, तो पठान और जवान को भी तोड़ के रख देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरा भाई, ये बिल्कुल पठान और जवान को तो क्या ही तोड़ दी, ये बेचारी खुद ही टूट गई। मैं खुद मर गई, मैं किसी को क्या मारती। इस मूवी के साथ हशर हुआ है वो वाला। तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि भाई कितनी मूवीज़ बनाओगे एंटी पाकिस्तान, कि क्या करोगे, कितने दिन लोग देखेंगे। दाल चावल लोगों को आप रोज़ गोश्त देते रहोगे ना, तो वो एक दिन तंग आ जाएंगे। वो बोलेंगे भाई हमें दाल दे दो, आज हमें गोश्त नहीं खाना, प्लीज़ हमें ये ले जाओ, हमें नहीं खाना। इसी तरह से होता है, अगर आप एक ही तरह की मूवीज़ बनाते रहेंगे तो पब्लिक एक दिन तंग आ ही जाती है। नो डाउट इंडिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुश्मनी है, एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कितनी देर आप वही दिखाते रहोगे, वही बात करते रहोगे, आप रिपीट करते रहोगे तो लोग आपसे तंग आते रहेंगे। लेकिन भाई एक दिन पहले जब फाइटर मूवी रिलीज़ हुई तो केआर के साथ बड़े उछल रहे थे कि भाई फाइटर तो बवाल है जी, इससे बढ़िया तो स्टोरी क्यों नहीं लिखी गई, आज तक मैंने इससे बढ़िया कोई फिल्म भी नहीं देखी, इस फिल्म को तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता, ये फिल्म तो बहुत बढ़िया निकलने वाली है, इसे तो बहुत ज़्यादा बिजनेस करना है। भाई क्या दूरदर्शन आदमी हो। मैंने पहले भी बोला था, जिस फिल्म को ये पनौती बंदा कह देता है ना कि ये अच्छी है, ये कमाल है, वो फिल्म ऐसे ध्वस्त और बर्बाद होकर रह रही थी। इसने बोला KGF 2 डिज़ास्टर होगी, कुछ नहीं होगा इसका, वो मूवी हिट होगी, बल्कि कमाल की हिट होगी। उसके बाद इसने सलार का बोला कि ये ध्वस्त हो जाएगी, तो सलार भी अच्छी खासी हिट होगी। उसके बाद इसने बोला कि पठान ध्वस्त हो जाएगी, पठान भी ज़बरदस्त और कमाल की हिट होगी। तो भाई ये बंदा बस ऐसे फेंक देता है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं। अब जैसे ही इसने फाइटर की तारीफ़ की, जिस दिन इसने फाइटर की तारीफ़ की थी, मैंने बोला बस अब अल्लाह बचाए फाइटर को, वरना ये मूवी बचने वाली नहीं है। और जैसे पनौती ने नाम लिया और फाइटर भी अगले दिन ध्वस्त होगी। और आज का मूवी का बिजनेस 10 करोड़ रुपए भी नहीं बन रहा, 300 करोड़ के बजट से बनने वाली मूवी, भाई अब क्या करेंगे, क्या करें। आप डंकी को कहते रहे कि डंकी फ्लॉप 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 फ्लॉप, लेकिन डंकी को तो बॉक्स ऑफिस ने हिट वर्डिक्ट दे दिया सुपर हिट का। लेकिन अब आपकी फाइटर है, फाइटर का 300 करोड़ का बजट और अभी तक 130 करोड़ भी नहीं किया, तो फिर वो कैसे उसको हिट माना जाएगा भाई साहब, अब पता चलेगा। और केआर के साहब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई ऋतिक रोशन की जो गर्लफ्रेंड है वो सब आज़ाद है, इस वजह से मूवी हिट नहीं हुई, वरना मूवी की स्टोरी अच्छी थी, मूवी में सब कुछ अच्छा था। और भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सनी देओल की गर्लफ्रेंड थी जिसकी इतनी ज़्यादा मूवीज़ फ्लॉप होती है और फिर एकदम जाके उसकी मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा ये है कि आप लोग कहते हो कि जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास हिंदुस्तान के अंदर 80% तो गरीब है, 80% तो वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से जाके मूवी देखते हैं, वो वी सेंटर में सी सेंटर में जाकर मूवीज़ देखते हैं, तो क्या उनको छोड़ के आप एलीट क्लास की मूवी बनाकर आप हिट करवा लेंगे भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाकी जितने भी बड़े लोग हैं वो जाके एक दफ़ा मूवी देखते हैं, लेकिन जो बाकी सी क्लास के लोग हैं या छोटे लोग हैं हमारी तरह के लोग, वो जाके बार बार देखते हैं मूवीज, उन्हीं की बिजनेस से आप इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ हिट करवाते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये उनको समझ में नहीं आई। अब यो समझ में क्यों नहीं आई, समझ में आता है भाई जब बात ही ऐसी करोगे कि जिसका ना सर है ना पैर है, तो फिर क्या समझ में आएगा। पठान आ गई पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान देख ली, Tiger 3 आ गई एंटी पाकिस्तान देख ली, तेजस आ गई एंटी पाकिस्तान देख ली, तो फिर एक साल में कितनी देखनी है। गदर आ गई Gadar 2, और कितना एक साल में क्या कितना क्या कहते हैं ओवर एक्ट करोगे। जब एक ही चीज़ करते जाओगे तो लोग तो आप खुद ही या तंग आएंगे कि नहीं आएंगे कि भाई हमें माफ़ कर दो, कुछ नया बना लो। तो फिर जब ऐसा होता है तो आप कहते हैं कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आई। जब कोई मूवी ऑडियंस को समझ आ जाती है तो फिर कहते हैं कमाल की मूवी बन गई। बात ये नहीं कि ऋतिक रोशन है, बात ये भी नहीं कि इसमें स्टार कास्ट कौन है, मुद्दा ये होता है कि मूवी की स्टोरी किस तरह है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा फ्रेश हनुमान की। क्या आप लोग जानते थे हनुमान एक मूवी आ रही है? नहीं पता था क्या आपको? पता था कि इसका जो हीरो है वो तेजस राजा है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, वो कितना बड़ा सुपरस्टार है, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन उसकी मूवी हिंदी ऑडियंस ने कितना पसंद किया, क्या उन्होंने किसी डिस्क्रिमिनेशन पे इसको पसंद किया था? बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छी स्टोरी थी तो लोगों ने पसंद कर लिया। अच्छी चीज़ चलती है मेरे भाई, जब अच्छी चीज़ नहीं होगी तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ऑडियंस को समझ नहीं आई। ऑडियंस को समझ आती है। आपने इंडिया में रिलीज़ करनी है तो आपने वो मूवी बनानी है जो इंडियंस ऑडियंस को पसंद आए। आपने मेजॉरिटी देखनी है, मेजॉरिटी ऑडियंस कौन सी है? मेजॉरिटी ऑडियंस तो वो है जिसको आप सी क्लास या डी क्लास बोलते हो, कि इनको समझ में नहीं आती। जब उनको समझ नहीं आती तो रिलीज़ क्यों करते हो वहाँ पर? फिर रिलीज़ ही वहाँ पर कर लो जहाँ पर एलीट क्लास है, एलीट वालों को दिखा लो, फिर इस ऑडियंस को ना दिखाओ। भाई मूवी हिट ही तो वहाँ से होती है। फिर आप लोग कहते हैं कि इनको समझ में नहीं आई, फिर बी सी शुरू हो जाता है, और जब नहीं होता तो फिर ना सी ना बी ना एलीट क्लास कुछ भी नज़र में नहीं आता। तो भाई मूवी फटेंट की वजह से, इस वजह से फ्लॉप नहीं हुई कि उसकी स्टोरी उसके मतलब उसमें ऋतिक रोशन सब आज़ाद की गर्लफ्रेंड है या ये है या वो, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं हुई। केआर साहब माफ़ कर दो अपना, अगर वो क्या कहते हैं ना कि एक बात करने के बाद फिर उससे मुकरना तो कोई ढंग का तरीका ढूंढ लो, ऐसा ना करो, माफ़ कर दो हमें। तो भाई ये बात में कोई दो राय नहीं कि फाइटर जो है वो पिट चुकी है बुरी तरह से, और ये आगे अब कुछ भी नहीं करना। आज अगर इसका 20 करोड़ का भी बिजनेस होता फिर भी समझ में आता था कि चलनी है, लेकिन आज इसके 60% शोज़ भी कैंसिल हुए हैं और सिर्फ 10 करोड़ की आई थिंक इसकी होगी कमाई। तो भाई जिस मूवी ने अभी तक 130 करोड़ की है अपने पहले 5 पीक डेज के अंदर, तो वो मूवी आगे जाके क्या करने वाली है? ध्वस्त हो चुकी है भाई।
और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है कि अब जो है ना ये जितने भी हैं ये पाकिस्तान के ऊपर छोड़कर कुछ नई स्टोरी लाएंगे जो कि ऑडियंस को पसंद आएगी और कुछ नया लाएंगे। नफरती चिंटू जितने भी है ना ये बंद करो भाई, नया बनाओ, ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे को खुशी दो, हंसाओ, अच्छी चीज़ बनाओ, लोगों को पसंद आएगी और वो हिट भी होगी। मैं फिर बोलूँगा कि लोग इस वजह से रिजेक्ट नहीं करते किसी कौन गर्लफ्रेंड, लोग इस वजह से रिजेक्ट करते हैं जब उनको स्टोरी समझ में नहीं आती या स्टोरी अच्छी नहीं होती। बाकी फाइटर ध्वस्त हो चुकी है, अब अगली कोई मूवी ऋतिक की आएगी तो देखते हैं उनका कमबैक होता या नहीं होता। बाकी इस तरह के लोगों से बचे हैं जो ये कहते हैं कि पहले ये था, अब वो था, अब ये था, अब वो था। मैं पहले दिन से कह रहा था कि स्टेज चलना बहुत मुश्किल है और ऐसा ही हुआ। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट में बना रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।